इस वीडियो में देखेंगे कि जो एबीएस मटेरियल होता है एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, इस एबीएस मटेरियल को हम इंजेक्शन मोल्डिंग में कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, तो उसमें सबसे ज़्यादा आजकल यूज होने वाला है कौन सा? एबीएस मटेरियल। इस एबीएस मटेरियल का फुल फॉर्म होता है एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। इस मटेरियल को हम कैसे यूज करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे कि एबीएस मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एबीएस मटेरियल होता है एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ये थर्मोप्लास्टिक ग्रुप में आता है। एबीएस मटेरियल थर्मोप्लास्टिक ग्रुप में आता है। इसको हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग प्लास्टिक एक हाई लेवल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल होती है, इसलिए एबीएस एक हाई स्ट्रेंथ वाला और स्मूथ वाला मटेरियल होता है। इसको हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक के ग्रुप में रखते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब इसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग होती है ये एबीएस मटेरियल, इसके लिए हम इसको थर्मोप्लास्टिक के ग्रुप में रखते हैं। एबीएस जो मटेरियल होता है इसमें 3 मोनोमर होते हैं। कौन कितने होते हैं? 3 मोनोमर मिलकर इस एबीएस मटेरियल का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से वो मोनोमर? एक्रोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ये तीनों मिलकर एबीएस मटेरियल का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये तीनों मोनोमर जो होते हैं ना उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। देखिए क्या, ये 3 मोनोमर हो गए, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन और एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन, ये 3 हो गया ना, ये तीनों मिलकर एबीएस का निर्माण करते हैं। लेकिन तीनों मोनोमर का जो तीनों मोनोमर हैं इन तीनों मोनोमर का जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट में क्या क्या डिफरेंट होगा कि इसकी हार्डनेस अलग होगी, टफनेस अलग होगी और हीट रेजिस्टेंस भी अलग होगी, लेकिन तीनों मिलकर एबीएस मटेरियल का निर्माण करते हैं। एबीएस का क्या मतलब? एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, एबीएस मटेरियल। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका सरफेस अच्छा होता है और उसकी जो प्रोसेसिंग हम करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ईजी होता है इसकी प्रोसेसिंग। एबीएस मटेरियल का अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में, तो इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो ईजी होती है। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है कि जितना डायमेंशन अगर प्रोडक्ट का चाहिए उतना प्रोडक्ट का हमारा डायमेंशन मिल जाता है। इसलिए आजकल हम इंडस्ट्रीज में एबीएस मटेरियल का बहुत अधिक मात्रा में यूज किए जा रहे हैं। एबीएस मटेरियल का प्रॉपर्टीज अब देखते हैं कि जो एबीएस मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एबीएस मटेरियल कितना पर मेल्ट होता है, कितने पर उसकी कूलिंग टाइम, क्या क्या, ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज के रूप में लिखते थे। सबसे पहले इसकी एबीएस मटेरियल का हम प्रॉपर्टीज देखें, तो पहला सबसे मोल्ड टेम्परेचर। एबीएस मटेरियल का हम अगर मान लीजिए इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज कर रहे हैं तो उसमें मोल्ड लगी होती है या डाई होती है, जिसमें हमारा एबीएस मटेरियल को मेल्ट करके कंपोनेंट बनाते हैं। तो एक मोल्ड का टेम्परेचर होता है, जिसमें हम एबीएस मटेरियल को यूज कर रहे हैं। तो अगर एबीएस मटेरियल है तो उसके लिए 40 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हम मोल्ड का टेम्परेचर रखते हैं। ठीक, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना होता है? अगर मान लीजिए हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका एबीएस मटेरियल का, तो उसकी प्रोसेसिंग टेम्परेचर कहिए या बैरल का हीटिंग टेम्परेचर बोलिए, वो 220 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं। 260 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं उसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर। और मैक्सिमम देना होगा तो सबसे ज़्यादा 280 डिग्री सेंटीग्रेड हम दे सकते हैं। ठीक, मटेरियल का प्री ड्राइंग टेम्परेचर, अगर मान लीजिए एबीएस मटेरियल है उसको हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको हम टू एंड हाफ आवर के लिए उसको हम प्री ड्राइंग के लिए छोड़ेंगे। मतलब उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करने के लिए पहले हम उसको हीटिंग करेंगे 2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे के लिए। तो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए रख कर उसको हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद हम मशीन में लाते हैं और उसको हम यूज करते हैं। हॉपर में ही रख दीजिए 2 आवर के लिए या ओवन में रख दीजिए, उसको किसी तरह 2 घंटे के लिए मॉइस्चर को रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट जो बनेगी अच्छा बनेगी, सिल्वर स्टिक आने का कम चांस रहता है, आएगा ही नहीं अगर फ्री ड्राइंग करके हम यूज करेंगे तो। फिर इंजेक्शन स्पीड कितनी होती है? देखिए, अगर इंजेक्शन स्पीड हम एबीएस मटेरियल के लिए दे रहे हैं कोई कंपोनेंट बनाने के लिए तो मिनिमम टू हाई, अगर मान लीजिए छोटा कंपोनेंट है तो मिनिमम में ही काम चल जाएगा।
अगर बड़ा कंपोनेंट है तो थोड़ा हाई देंगे जिसके द्वारा वो पार्ट फिल हो सके मोल्ड में। ठीक, नेक्स्ट पर्ज मटेरियल। अगर मान लीजिए हम एबीएस मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसको हम पर्जिंग करने के लिए कौन सी मटेरियल यूज करेंगे, तो एचडीपी, पीपी, पम्मा, पीएस, ये जो जितनी मटेरियल है इससे हम क्या करते हैं उसको पर्जिंग कराते हैं, बैरल को क्लीन करते हैं एबीएस मटेरियल के लिए। ये एचडीपी हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, पीपी हो गया पॉलीप्रोपिलीन, पम्मा हो गया, पीएस हो गया पॉलीस्टीरीन, इन सभी मटेरियल से हम एबीएस मटेरियल को पर्जिंग करते हैं। स्ट्रक्चर इसकी एमॉर्फस होती है, मतलब कि दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग होती है, तो वही एमॉर्फस ग्रुप में इसको रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी टफ होती है, अगर मान जो कंपोनेंट बनता है ना थोड़ा टफ होता है, हाँ वो उसकी जो हार्ड होती है वो टफ होती है थोड़ा, इसलिए इसको हम इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज वो टफ होती है। श्रिंकेज इसकी, देखिए ये भी सभी मटेरियल का जितना भी मटेरियल यूज किया जाता है, थर्मो प्लास्टिक हुआ या थर्मोसेट प्लास्टिक हुआ या कोई भी प्लास्टिक हो, उसकी एक अपना श्रिंकेज होती है। तो इसी तरह हम जो एबीएस मटेरियल यूज करते हैं इसका श्रिंकेज कितना होता है, 0.4 से 0.8% तक इसकी श्रिंकेज होती है, किसका, एबीएस मटेरियल का। ठीक, एचडीटी कितनी होती है, एबीएस मटेरियल का एचडीटी 99 to 107 तक इसकी एचडीटी होती है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि जो एबीएस मटेरियल है एक्रोनाइट एल्बुटोडाइनिस्ट्रीन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसको हम कैसे यूज करते हैं।